हेलो वेलकम ऑन पास एग्जाम बाय मास्टर मॉड्यूल। आज है 12 जुलाई 2020 और 12 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो कार्यकारी अधिकारी हैं 29 बल को बनाया गया है, तो ये 29 बल इनको ही कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद तेलंगाना में और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है वो है भास्कर प्रमाणिक। और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अगर बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? वाशिंगटन जो कि यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। और प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सत्य नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स और पॉल एलन। कौन थे? बिल गेट्स और पॉल एलन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य 2020-21 में जो है बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर रहा है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश 9% के साथ रहा है और राजस्थान भी 9% ही है। तो ये सारे मैंने सिक्वेंस से लिख दिए हैं। तो ये आरबीआई द्वारा जो जारी आंकड़े हुए हैं उसके अनुसार जो वित्त वर्ष 2020-21 है इसमें जो सबसे ज्यादा टॉप पर रहा है, जो सबसे ज्यादा कर्ज के मामले में है, वो है तमिलनाडु राज्य। अब बात की जाए कि आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई ने ये आंकड़े जारी किए हैं। तो भारत में सभी बैंकों को आरबीआई ही रेगुलेट करता है, इसको हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र मुंबई में। और वर्तमान में इसके जो गवर्नर है 25वें गवर्नर वो उनका क्या नाम है? तो वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया है। और ये जो विश्व जनसंख्या दिवस है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विश्व भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी और इसका जो थीम है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो हमें याद रखना है, वो है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो इसका जो थीम है वो है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। अब जो जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिवस है एक बार वो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो 1 जुलाई थी उसको जो 3 मुख्य दिवस मनाए गए थे वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। तो ये 3 दिन 1 जुलाई को मनाए गए थे। उसके बाद 4 जुलाई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो कि जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और उसका थीम हमें याद रखना था, थीम था उसका कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया था और अब 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये दिन हमें याद रखना है, जो भी डे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो वो हमें कंटिन्यू याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष को कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में गणेंद्र निगोम्बाम या इनको ही अभी नया कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और भारत में हॉकी खेल को भारतीय हॉकी संघ रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना कब हुई? 20 मई 2009 को। और जो मेंस हॉकी टीम के कोच हैं वो कौन है? ग्राहम रीड। और जो महिला हॉकी टीम के कोच हैं उनका नाम है सोरमारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किसके बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो अभी भारत और यूरोपियन संघ यानी कि ईयू के बीच ये 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपियन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत और यूरोपीय संघ का जो 15वां शिखर सम्मेलन वो 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने 2020 के लिए UNIFIL यानी कि लेबनान में जो संयुक्त राष्ट्र का अंतरिम बल है उसका पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो अभी भारत की सेना ने ये 2020 का ये पर्यावरण पुरस्कार जीता है और इसमें संयुक्त राष्ट्र के जो अंतरिम बल में तैनात एक भारतीय बटालियन ने कचरा कम करने, प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल करने, ग्रीन हाउस और जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य से
पर्यावरण संबंधी जो फर्स्ट प्राइज है यानी कि प्रथम पुरस्कार जीता है। UNIFIL जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एंट्रीम फोर्स इन लेबनान। तो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र का अंतरिम बल। तो UNIFIL की स्थापना कब हुई, 19 मार्च 1978 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है नकुरा लेबनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादोन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, तो ये किस राज्य में है। तो नादोन जो पुलिस स्टेशन है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है, और हिमाचल प्रदेश के ही नादोन पुलिस स्टेशन को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। और नादोन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। नादोन पुलिस स्टेशन को यह सम्मान बेहतर काम करने के लिए दिया गया है। अब हिमाचल प्रदेश राज्य की बात हुई है, मैप में हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय। चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण। राजकीय पशु क्या है, हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी क्या है, जुराना। राजकीय वृक्ष क्या है, देवदार। और हिमाचल प्रदेश की जो सीमाएं लगती हैं वो चार पड़ोसी राज्यों के साथ लगती हैं, तो वो चार पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 68 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ झीलें जो कि लेक काफी इंपोर्टेंट हैं, वो हैं सूरजताल लेक, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछिया झील, भृगु झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ जो पासिस हैं वो काफी इंपोर्टेंट हैं, तो वो हैं रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ाला दर्रा। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिली, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो लग्जरी राइड के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो उनका नाम है सुखबीर सिंह। तो ये लग्जरी राइड सेकेंड हैंड लग्जरी कार का शोरूम है, और सुखबीर सिंह जो है वो सिंगर है, ये काफी फेमस सिंगर हैं और ये ही लग्जरी राइड के ब्रांड में एम्बेसडर बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग को शुरू किया है। तो अभी हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग यानी कि असीम को स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य है राज्य के जो रोजगार के क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना है और सूचना प्रवाह में सुधार करना है। अब यहाँ बात हुई है AI की, तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसको कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो विकसित की जाती है। और ये केंद्रीय कौशल विकास और जो उद्यमिता मंत्रालय के साथ इसने इसको स्टार्ट किया है। तो इसके जो मंत्री हैं, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, उनका नाम है महेंद्रनाथ पांडे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है AK केसरी कुमार और रूपा श्री कुमार, तो इन दोनों ने मिलाकर ये पुस्तक लिखी है जो कि महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इमादू गोन कुलीबाली का निधन हुआ है, ये किस देश के थे। तो ये आइवरी कोस्ट के थे, हाल ही में निधन हुआ है। आइवरी कोस्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है, अलासान बातरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है सिताना धर्वांसिस, ये कहां पाई गई है। तो ये कर्नाटक राज्य में पाई गई है, ये कर्नाटक की। तो कर्नाटक में ही अभी हाल ही में एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गैसेट गो का स्टार्ट शुभारंभ किया गया था। उसके बाद एक ऐप मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14410 भी लॉन्च की गई थी। उसके बाद COVID-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी यहाँ स्टार्ट किया गया था। और ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला भी पहला राज्य बना था, जो प्राथमिक कक्षा तक के बच्चे हैं तो उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर इसने बैन लगाया था। कोरोना वॉच ऐप भी अनाउंस किया गया था। बाकी जाए चीफ मिनिस्टर कौन है, तो BS येदुरप्पा है। गवर्नर कौन है, वाजुभाई वाला। और प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को यहाँ छुट्टी दी गई थी। COVID-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी यहाँ पर किया गया था। और 18 जून को मास्क दिवस के रूप में भी कर्नाटक में ही मनाया गया था। राजधानी क्या है कर्नाटक की, बेंगलुरु है। और जो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो भी बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज्यादा अफीम किस देश में जब्त की गई है।
तो अभी 2018 में जो जारी रिपोर्ट हुई है उसमें उसके अनुसार सबसे ज्यादा अफीम ईरान में जब्त की गई है, जबकि दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान चल रहा है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत चौथे स्थान पर है, ईरान टॉप पे है। तो ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी तेहरान है, करेंसी क्या है तोमान, राष्ट्रपति कौन है हसन रूहानी। तो ये थे आज के जो हमारे क्वेश्चन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, तो लास्ट वीडियो क्वेश्चन था किस देश में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है, तो इसका सही जवाब था वियतनाम। अब आज के वीडियो के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन फॉर टुडे, किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर ट्विस्ट ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप पास एग्जाम बाय मास्टर मुदगिल सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर मास्टर मुदगिल सर्च करके इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी कन्फ्यूजन मेरे साथ विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में एक बेल आइकन आएगा, इस पर आप जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो डेली मॉर्निंग में मिलती रहे। पास एग्जाम इज ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। लास्ट वीडियो क्वेश्चन की बारी, तो लास्ट वीडियो क्वेश्चन है भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए जियाकास। तो ये कई सारे साथियों ने इसका जवाब सही लिखा, तो मैं आपको भी बोलता हूं जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हैं वो परमानेंट आपकी मेमोरी में सेव हो जाती है। अब आज के वीडियो का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन फॉर टुडे है किस देश में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिल्कुल फ्री और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पास एग्जाम बाय मास्टर मुदगिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो देखें, और जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में एक बेल आइकन भी आएगा, आप उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।